मैं जब सर्वे कर रहा था तो मैंने सर्वे में ऐसे मुझे कई इमेजेस मिली, रमदान शॉपिंग फेस्टिवल। हाँ अच्छा, जो लोग मुस्लिम इलाकों में जिनकी दुकानें हैं उनको पता है रमदान में साल का, मुस्लिम एरिया में साल का शॉपिंग का सबसे पीक सीजन रमदान होता है। हाँ तो खास तौर से आखिरी हिस्सा जो सबसे बेस्ट हिस्सा है वो सबसे पीक सीजन होता है रमदान का, सबसे बेस्ट सीजन होता है। अब इसमें जब जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, वो टाइम पे सबसे ज्यादा लोग बाजारों में होते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो क्या करें मेरे भाइयों, ये रमदान है ना, अब डील्स कौन से नए नए आ रहे हैं, स्टॉक कौन सा नया आ रहा है, अरे क्या नया स्टॉक आ रहा है, कौन सी वैरायटी कहाँ अच्छी मिल रही है, ये दुकान नहीं खुली है, यहाँ पे स्टॉक अच्छा दिख रहा है, ढूंढो कहाँ पे अच्छी चीज मिल जाती है, ये सब चीज में रमदान जाती है। ये भी हाईजैकर है कि नहीं है बोलो। मेन जो टाइम देखो 24 घंटे ही है ना, 24 घंटे है। अब 24 घंटे या तो बाजार में गुजरेंगे या तो तरावी, क़ियामुल्लैल, इबादत, कुरान की तिलावत, वहां जाएंगे, मतलब कहां, सबके सब तो नहीं हो सकता। तो बाज़ लोग ये सुनकर बहुत ऑफेंड हो जाते, बोले कि क्या हम लोग ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहनेंगे, बोलो क्या ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ईद के दिन क्या पहनने कहा गया है, जो कपड़े आपके पास है उसमें से अच्छा पहनो। ये कहा दिया गया नया ही पहनो भाई, जो है उसमें से क्या अच्छा है, और नया लेना है तो कुछ और करो, रमदान हमारी पूरी शॉपिंग में जाती है, उसमें कुछ और नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई महीना देना ही है शॉपिंग के लिए तो ऐसा करते हैं शाबान शॉपिंग फेस्टिवल बना देते हैं, शाबान शॉपिंग का महीना बना दो, अगर बनाना ही है किसी महीने को, अभी शाबान चल रहा है और माशाल्लाह चंद दिन बचे हैं, तो मैं आप सबके सामने मशवरा रख रहा हूं कि क्यों ना ऐसा करें, शाबान को शॉपिंग का महीना बना लेते हैं, मतलब शॉपिंग करना ही है लोगों को। अब उनको अगर ये हम कहें कि शॉपिंग मत करो तो उनके दिल पर बहुत भारी गुजरती है वो बात। हालांकि लॉकडाउन के टाइम पे एक बार ऐसा भी हुआ था, जैसे हैदराबाद के लोगों का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि वो लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि लॉकडाउन जब था लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि ये रमदान शॉपिंग नहीं करेंगे, कि भाई वो पैसे आपके पास जो है गरीबों में दो, लोगों घर में अनाज भरो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो इसलिए नहीं थी कि रमदान है, इसलिए थी कि पैसे यहाँ डालने की जगह वहाँ डालो। अब अगर शॉपिंग करनी है तो क्यों ना हम सब एक नया ट्रेंड स्टार्ट करें कि शाबान शॉपिंग फेस्टिवल बनाते हैं, कि शॉपिंग महीना शाबान। अब मुझे पता है कि यहाँ एक ऐलान करने से सब जगह पे मार्केट ट्रेंड बदल नहीं जाएगा, लेकिन चलो हम सब मिलके, क्या बोलते हो आप लोग सब, हम लोग सब मिलके इरादा करें कि रमदान शॉपिंग को हाईजैक करने नहीं देंगे, रमदान को जो शॉपिंग करनी है शाबान में कर लो, हाँ और रख दो, और रमदान को इबादत के लिए फोकस करें, क्या बोलते हो आप सब, सहमत है कि रमदान को शॉपिंग से फ्री कर देते, शॉपिंग फ्री रमदान, शॉपिंग फेस्टिवल रमदान नहीं, शॉपिंग फ्री यानी फ्री वाली नहीं कि फ्री में मिल रहा है, शॉपिंग फ्री यानी शॉपिंग नहीं रमदान में। हाँ तो ट्रेंड चेंज करने की बात कर रहे हैं कि अभी शॉपिंग फेस्टिवल क्या बनाना चाहिए, शाबान। तो मैं आप सबके सामने भी प्रपोजल रख रहा हूं, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरा इस बात को वायरल करने की कोशिश करो कि शाबान में शॉपिंग कर लो, रमदान को ऑफ सीजन महीना बनाओ। मतलब जो मुस्लिम इलाके में लोग होते हैं ना, ऐसा सीन दिखना चाहिए, अरे रमदान चल रही है अभी कहां बिजनेस आएगा, सब लोग इबादत कर रहे हैं अभी बिजनेस आएगा रमदान में, नॉट पॉसिबल, शाबान है पीक सीजन है, ऐसा बनाना चाहिए ट्रेंड। अब ये ख्वाब कब पूरा होगा, हो सकता है जिंदगी जीते जी नहीं दिखने मिले, लेकिन चलो बात करने से कौन रोक सकता है। हाँ हम सब मिलके बात करेंगे कि क्या बोलते हो भाई, आपके सर्कल में बात करो, आप आपके फ्रेंड सर्कल में बोले भाई शाबान को शॉपिंग का महीना बनाएंगे, अगर बनाने का ये किसी महीने को, क्योंकि मैं ये बनाया तो किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, बोले शाबान शॉपिंग महीना कैसे बना सकते हैं, तो क्या करें। हाँ बोले शॉपिंग ही नहीं करो तो लोग नहीं करने मानने वाले, कौन बोल रहा है, और इस्लाम ने रूहबानियत की जिंदगी भी गुजारने नहीं कहा है, लेकिन अगर किसी महीने को देने का ये तो चलो शाबान दे देते हैं हम लोग शॉपिंग के लिए इंशाल्लाह, क्या बोलते हो आप लोग सब, सहमत है आप लोग, किसी का ऑब्जेक्शन, किसी का कोई ऑब्जेक्शन इस बात पर, ठीक है। तो ये कुछ हाईजैकर्स हैं।